ट्रंप और उनकी पत्नी का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। सुबह 10 बजे से रिसेप्शन के बाद दोनों नेता राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में मोदी और ट्रंप के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे। करीब 3 बजे डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी दूतावास में कुछ निजी कार्यक्रमों में शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें उद्योग प्रतिनिधियों से निजी गोलमेज वार्ता भी शामिल होगी। फिर शाम के वक्त यानी करीब 7:25 पर ट्रंप राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद भी अमेरिकी राष्ट्रपति को रात्रि भोज देंगे। साथ ही अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप राष्ट्रीय राजधानी में मोती बाग के पास नानकपुरा में सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगी, जहां मेलानिया हैप्पीनेस क्लासेस में भाग ले सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम में अपने संबोधन के दौरान माना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ट्रंप ने भारतीय क्रिकेट के सितारों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी दिए। सचिन और विराट का नाम लेते ही स्टेडियम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से ट्रंप के संबोधन का स्वागत किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सोमवार सुबह से भड़की हिंसा देर रात तक जारी रही। सुबह सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग और समर्थक आमने सामने आ गए थे। हिंसक झड़प में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज 10 बजे लोकभवन में आयोजित होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है कैबिनेट की मुहर। बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों और उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के फैसले के मुताबिक ट्रस्ट का बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा में खोला जाना है। ये खाता 25 फरवरी को खोला जा सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर आज सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर आज से आरक्षण बचाओ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की आरक्षण बचाओ यात्रा 10 जनपदों में 25 फरवरी से 5 मार्च तक निकाली जाएगी। यात्रा की शुरुआत मेरठ से की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट में गैर हाजिरी के चलते आजम खान के खिलाफ 2 मामलों में फिर जमानती वारंट जारी हुआ है, जिसमें आजम को आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में आज पेश होना है। मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना कोतवाली पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गन्ने के खेत में छापेमारी करते हुए एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में बने और अर्ध बने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए। हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड पर पुलिस ने चोरी के वाहन काटते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कटा हुआ एक टेम्पो, करीब आधा दर्जन गाड़ियों की चेसिस समेत कई कटी हुई गाड़ियों के पार्ट बरामद किए गए। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश में बढ़ती बेतहाशा महंगाई के बीच शराब को सस्ती करने से सरकार के लिए गए फैसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। गाजियाबाद शहर में जाम की बढ़ती समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। बिना सरकारी गाड़ी और बिना सरकारी अमले के जिलाधिकारी ने यह निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कमी पाए जाने पर एडीएम सिटी के अध्यक्षता में सीमित बनाने के निर्देश भी दिए गए। बदायूं में बीजेपी को पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में जीत मिली है। उपचुनाव में बीजेपी के प्रीति सागर को 50 में से 37 वोट मिले, जबकि सपा की मधु चंद्रा को सिर्फ 3 वोट मिले। आगरा के साइकिल राइडर प्रमोद कटार ने अपने ही अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आगरा आने पर स्वागत किया। उन्होंने आज
100 किलोमीटर साइकिल चलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने की बात कही। इससे पहले वो 10,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। शाहजहापुर में 18 फरवरी की रात में हुए आरिफ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के हिरासत में आए अली जमा उर्फ गाना ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर आरिफ की चाकू से कूदकर हत्या की थी, क्योंकि आरिफ के अली जमा की भाभी से नाजायज संबंध थे। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने एक गैंगवार की घटना होने से रोका है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने थे। गिरफ्तार रवि और परवेज ने 20 और 21 फरवरी को टीला मोड़ और लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक दूसरे पर फायरिंग की थी। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना पुलिस ने नंद इलाके में हुई 55,000 की लूट के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी वैगनार कार से चलते थे और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ मौका लगते ही लूटपाट करते थे। कानपुर सपा के पूर्व एमएलसी लाल सिंह तोमर का फेसबुक अकाउंट एक हैकर ने हैक कर लिया। हैकर ने एमएलसी के दोस्तों ने गूगल पे का नंबर देकर पैसों की मांग की। पूर्व एमएलसी ने पुलिस से शिकायत कर कहा कि बीजेपी के लोगों की साजिश हो सकती है। राजधानी लखनऊ में अवैध असलोह की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 11 अवैध असलहे भी पुलिस ने बरामद किए। आरोपी आजमगढ़ मुंगेर बिहार से अवैध असलोह की खेप लेकर यूपी के तमाम जिलों में सप्लाई किया करता था। बिजनौर में 4 दिन पहले अज्ञात बदमाशों ने एटीएम से रुपये चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस गश्त की वजह से चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो सके थे। एटीएम के बाहर लगे कैमरों से बदमाशों की शिनाख्त हुई। पुलिस ने एटीएम चोरी करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत में एक नाबालिग किशोर अज्ञात हालत में लापता हो गया। परिजनों की तलाश के बाद अब किशोर नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को एक बंद कमरे में बरामद किया। पुलिस जांच में पता चला कि साजिश के चलते दबंगों ने नाबालिग को किडनैप किया था। रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पार कर रहे छात्र को टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र अपनी मां के साथ रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में एक बार फिर एक टीचर ठगी का शिकार हो गया है। टीचर के खाते से साइबर ठगों ने 66,000 रुपए उड़ा लिए, तो वहीं टीचर को फोन कर ठगों ने एक मोबाइल ऐप डाउन लोड कराया और फिर पेटीएम केवाईसी के बहाने सारी जानकारी लेकर टीचर को चूना लगा दिया। सीए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान रविवार को अलीगढ़ में बवाल मामले को लेकर सपा और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। सुबह 11 बजे सदन की शुरुआत होते ही सपा नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि अलीगढ़ पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोली दागी। मऊ में यूपी पुलिस के जवान पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। जवान के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगने से पूरा पुलिस महकमा सकते में आ गया है। आनंद फानंद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पुलिस कर्मी को हिरासत में ले लिया। चंपावत जिला मुख्यालय के मुडियानी में चेकिंग के दौरान एक आरोपी से 300 ग्राम चरस बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी चरस को पैदल मुख्यालय से टनकपुर की ओर ले जा रहा था। जिले में 102 और 108 के साथ एलएस एम्बुलेंस पर तैनात चालक और एमटी कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसके चलते कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी के अधिकारियों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। पिछले 26 दिनों से हल्द्वानी के बूथ पार्क में सर्किल रेट बढ़ाए जाने के विरोध में धरने पर बैठे हल्द्वानी ने आज हजारों लोगों की संख्या में मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैनपुरी में बड़ी नगरिया के निकट गहरे तालाब में एक किशोरी का शव पानी में तैरता मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते तालाब पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पानी से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बरेली में कैंट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मथुरा के थाना बरसाना इलाके में एक युवक और उस युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ जिले के सदर कोतवाली इलाके से पुलिस और अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ की खबर सामने आई। दरअसल सिपाहा महेरी गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास क्रिकेट खेल रहे 10 साल के नितेश को अपहरणकर्ताओं ने अगवा कर लिया और उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगे। ऐसे में नितेश के पिता ने किसी तरह हिम्मत से काम लिया और मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। मेरठ में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो एसएसपी आवास के पास भी मारपीट करने से गुरेज नहीं करते। दरअसल यहां रईस यादव ने एसएसपी आवास से महज 50 मीटर की दूरी पर लव जिहाद का आरोप लगाकर युवक की बुरी तरह से बेल्ट और लात घूंसे से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कन्नौज पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस अपराधियों के साथ ढाबे पर नाश्ता पानी करती नजर आ रही है। मामला कन्नौज की कचहरी गेट के पास पुलिस दो अपराधियों को पेशी पर ले जा रही थी। पुलिस की गाड़ी एक ढाबे के सामने रुकती है। पुलिस का एक अधिकारी और दो अपराधी ढाबे पर बैठकर बड़े आराम से नाश्ता पानी करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं जब अपराधी ने कैमरा देखा तो वो मुंह छुपा रहे थे। होली का त्यौहार नजदीक आते ही खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाले मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। मथुरा में मिलावटखोरी के ठिकानों पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर नकली मसाले जब्त कर लिए। इन ठिकानों पर खाने पीने की चीजों में मिलावट का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था। हापुड़ में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक आलू के खेत में एक युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। ये लोग युवक को तब तक मारते हैं जब तक कि युवक बेहोश नहीं हो जाता। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की बात कही। उन्नाव में ग्राम प्रधान की दबंगई का वीडियो सामने आया, जहां प्रधान से किसी बात को लेकर एक बुजुर्ग को सरेआम थप्पड़ मार दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधान एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारता है और जो व्यक्ति बीच बचाव कराने की कोशिश करता है उससे भी भिड़ जाता है। ये पूरा मामला बीगापुर के दिग्विजयपुर का बताया जा रहा है। बरेली के फतेहगंज थाना क्षेत्र के हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक चीते की मौत हो गई। काफी दिनों से क्षेत्र में चीता होने की खबर मिल रही थी। उत्तराखंड से भटककर पहुंचा था चीता। बरेली वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तरह तरह के प्रयोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर में यहां के अधिकारी और प्रबंधक उनके मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं सुचितापूर्ण परीक्षा तार तार होती दिख रही है और कुशीनगर में एक चाचा अपनी भतीजी का पेपर लिखता हुआ पकड़ा गया। ललितपुर के ब्लॉक बिरधा में स्थित में इंटर कॉलेज की परीक्षा दे रहे छात्र ने उसी कॉलेज में पढ़ने वाले शिक्षक पर आरोप लगाया है कि 18 फरवरी को दूसरी पाली में होने वाले पेपर में 4 से 5 बजे के बीच शिक्षक की तरफ से कुछ छात्रों को बोलकर नकल करवाई जा रही है। कन्नौज जिले में छिपरामऊ क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन का तार अचानक शॉर्ट सर्किट होने के चलते टूटकर खेत में गिर गया। हाई टेंशन लाइन तार के गिरते ही खेत में भयंकर आग लग गई। फिरोजाबाद के थाना टुंडला इलाके में शॉर्ट सर्किट होने से टाटा मैजिक में आग लग गई। आग लगने से दो गाड़ियां जलकर खाक हो गई, तो वही घटना थाना टुंडला ओवरब्रिज के नीचे की है। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे वीडियो ने सिद्धार्थ नगर की प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। वायरल हो रहे इस वीडियो में शोहरतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि और युवा के देवीपाटन मंडल के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता और उनके पुत्र उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ के कार्यालय में उप जिलाधिकारी के सामने ही तांडव करते नजर आ रहे हैं।
हरदोई की बिलग्राम पुलिस ने कई बड़ी चुनौतियों का खुलासा करते हुए चोरी की खुलासा किया है। तीन छात्र चोरों को गिरफ्तार किया भी गया है तो उनके पास से लाखों के सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। चोरों की गिरफ्तारी से पुलिस और जनता ने राहत की सांस ली है। यूपी के हमीरपुर जिले में एक सप्ताह पहले ही हुई कालकाबंदी में देवी के छात्र चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी को आधार मानकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से पुलिस ने माता का छत्र भी बरामद किया है। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में विधायक के करीबी सत्यम नाम के कार्यकर्ता का आरके रिजॉर्ट जहांगीराबाद में शादी समारोह के दौरान रिवॉल्वर लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवक रिवॉल्वर लहरा रहा है। भारत ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में बांग्लादेश को 18 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कराई है। सलामी बल्लेबाज शिपाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स की उम्दा पारियों के बाद पूनम यादव की फिराक के जादू से भारत को ये जीत हासिल हुई। 39 रनों की जोरदार पारी खेलने वाली शिपाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के उन कलाकारों में शुमार हैं जिन्होंने हर तरीके की फिल्म कर रखी है। दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री में 2006 में की थी। फिल्म ऐश्वर्या से फिल्मी दुनिया में कम कदम रखा था और इसी फिल्म के बाद ही दीपिका को अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। जब इतने सालों के बाद दीपिका पादुकोण फिर टॉलीवुड की तरफ रुख करने का विचार कर रही है।